नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करने वाला हूं तानाशाह के पर्याय हिटलर के बारे में, यानी कि जिनको पूरा विश्व एक तानाशाह शासक के तौर पर जानता रहा, आज चर्चा उस पर, और जानेंगे कि उनके सिग्नेचर में खास क्या। मैंने जो सिग्नेचर निकाला है एडॉल्फ हिटलर का, हालांकि ये मुझे मिला इंटरनेट से, और एडॉल्फ हिटलर के चूंकि कई बार सिग्नेचर बदले हैं तो मुझे एक सिग्नेचर ये जो नजर आया, मैंने आपके सामने आज इस पर एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा इसकी खास बातें क्या। मुझे कुछ खास बातें इसमें नजर आई। पहली बात ये कि ये नाम लिखने की पूरी कोशिश हुई एडॉल्फ और हिटलर, जिसमें एडॉल्फ सही नहीं लिखा गया, यानी कि शुरुआत का ए डी और ओ लेटर इसमें गायब है। बनाने की कोशिश है लेकिन गायब। इसकी चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ या ये क्या दिखाता है। फिर आगे आइए, हिटलर में एच बहुत प्रोमिनेंट है, इसके मायने क्या ये देखूंगा। हिटलर पूरा लिखा गया जबकि एडॉल्फ में अक्षर गायब है। लिखने की पूरी कोशिश है, पूरा उसको जगह दी गई, स्पेस मिला है एडॉल्फ को, लेकिन अक्षर गायब है। तीसरी खास बात क्या, ये सिग्नेचर नीचे आ रहा, यानी कि जो हम लोग पढ़ते रहे हैं या बताता रहा हूं कि अगर किसी के सिग्नेचर नीचे आ रहा तो उसके मायने क्या, उस पर भी आज चर्चा हिटलर के सिग्नेचर के माध्यम से करूंगा। साथ में जो चौथी बात है इंपॉर्टेंट, वो ये कि यहां जब हम सिग्नेचर पढ़ रहे हैं तो यहां एच तो बहुत स्पेस ले लिया है, खूब दूर तक, या उसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन जब यहां बाकी अक्षर लिखे जा रहे हैं आई टी एल ई आर, तो ये जो बाकी के पांच अक्षर है वो बहुत कम स्पेस ले रहा है और पास पास में, यानी कि स्पेस कम है। इन चार बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करता हूं इस पर। देखिए, अगर किसी का जीवन शुरुआती दौर में बड़ा संघर्ष वाला होता है, गरीबी में बीतता है, संघर्ष करता है, कहीं ना कहीं उसमें ईर्ष्या का भाव ज्यादा रहता है, या मैं कह सकता हूं कि संघर्ष इस कदर कि वो जिसने खुशियां ही ना देखी हो, तो ये सिग्नेचर कुछ उस तरह का है। अगर किसी का सिग्नेचर का पहला अक्षर ही गायब हो जाए या लिखना क्या चाह रहा वही नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब कि वो लग्जरी में तो नहीं बीतेगा बल्कि वो बहुत संघर्षमय जीवन, गरीबी का जीवन ये दिखाता। मनी बैग गायब है। डी और ओ यहां बनाई नहीं, यानी कि जल्दबाजी। सिग्नेचर में अगर आपके अक्षर गायब हो रहे तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम करने की चाहत रखेंगे, बहुत चाहेंगे बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें पा लें, तो वही एडॉल्फ हिटलर का यहां पे चीज दिखाई दे रही। इसके अलावा आप देखिए कि ए जो बनाने की कोशिश हुई है, ये ए, इसका ए का जब बनता है तो ए के दो पैर बनते हैं, यानी कि हम उसको माउंटेन बनाते हैं, यहां पे बनाई नहीं, लेकिन हाइट खूब। खास बात ये देखिए, यानी ऐसा व्यक्ति बड़ा एक्सट्रीमिस्ट होता है, बहुत अतिवादी होता है, जिद्दी बन जाता है, अपनी चीज को सही मानेगा। इसके अलावा एल बना है, एफ बना है, एफ नीचे आ रहा है, कटा हुआ है, ये इनको कुल मिलाकर दिखाता है कि अपने साथ के लोगों से जोड़ करके भी रखेगा, लेकिन मेहनत खूब करवाएगा, संघर्ष वाला सिग्नेचर यहां वाला हिस्सा दिखाई दे रहा। अब बात आती है इस हिट, यहां पे दूसरा नंबर है एच। हिटलर ने के सिग्नेचर में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हिटलर ही है, एडॉल्फ नहीं है, और आज भी लोग हिटलर के नाम से जानते हैं, एडॉल्फ लोग बहुत कम जानते हैं कि हिटलर के नाम के आगे एडॉल्फ भी लिखा जाता है या उनका नाम एडॉल्फ हिटलर है। तो एडॉल्फ के बारे में प्रोमिनेंट सी कुछ नहीं है, लेकिन हिटलर का एच देखिए, नीचे मनी बैग, ऊपर मनी बैग या फ्लैग, एच देखिए सबसे बड़ा है एच, और इसी हिटलर के एच से दिखता है एडॉल्फ का, हिटलर का व्यक्तित्व। अगर किसी के सिग्नेचर फ्लैग बन रहा तो यानी कि वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, अच्छी विचारधारा तो अच्छी विचारधारा को बढ़ा देगा उसकी, और खराब विचारधारा तो उसको बढ़ाएगा, यानी कि अपनी आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करवाएगा। तो यहां पर ये फ्लैग दिखा रहा। सिग्नेचर का एच देखिए, ये बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट वाला हिस्सा है, यानी कि नॉर्थ साउथ वाला नहीं, फैलाव करके लिखा गया है, यानी कि अप्रोच जो जिसको कहा जाता है इंप्रोचमेंट, अतिक्रमण, फैलाव। तो ये इनका जो साम्राज्यवादी जो नीति थी वो इस एच से दिखती है। अगर आप अपने सिग्नेचर को फैला करके लिखेंगे तो आप चीजों को बहुत चाहेंगे, बहुत ज्यादा चीजें पाना भी चाहेंगे, तो ये शासक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर अपने सिग्नेचर को फैलाता है, फैला करके लिखता, विस्तार देता है, तो उसका मतलब उसको अपना प्रभाव भी वो बहुत जगह चाहता है, जो हिटलर के साम्राज्यवादी नीति का ये यहां पर हम संकेत देख सकते हैं। माउंटेन, ये फ्लैग, फैलाव, ये दिखाता है हिटलर की
अतिवादी नीति को। सिग्नेचर नीचे की ओर आ रहा, यानी कि ये डिप्रेशन की निशानी दिखा रहा। नीचे आना कभी अच्छा नहीं माना गया, ये दिखा, ये असल में ये उस वक्त का सिग्नेचर है जब हिटलर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सामना हो रहा था, लोग इन पर हावी हो गए थे और ये कुछ दिनों बाद इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी हिटलर ने। तो ये इनके मृत्यु से कुछ साल पहले का ये सिग्नेचर है और ये दिखाता है डिप्रेशन को, ये दिखाता है कि इनका मानसिक अवसाद किस कदर था। आप समझ सकते हैं, यहां ये ऊपर जा रहा बिल्कुल, यह बैलेंस बना हुआ है, यहां भी बिल्कुल बैलेंस बना है, लेकिन फिर उसके क्या नीचे अवसान। हम लोग अक्सर मना करते हैं कि सिग्नेचर कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, आज आपको उसका एक सैंपल यहां पर एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर के माध्यम से देखने को मिल भी गया। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी उम्र कम हो जाएगी, आपका सिग्नेचर नीचे जा रहा, आप अवसाद में आ जाएंगे, आपका सिग्नेचर नीचे जा रहा तो आप अपने ही आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, जो हिटलर के भी साथ हुआ। इसके अलावा सिग्नेचर में जो खास बात है, यहां पर आप देखिए बहुत पास पास चीजें लिखी गई। सिग्नेचर में अगर आप बहुत सटा सटा के चीजें लिखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके विरोधी भी ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, आपका आप अपने ही लोगों पर अविश्वास कर बैठेंगे जो हिटलर के भी साथ हुआ। कहने का मतलब यह है, ये सिग्नेचर अतिवादी है, डिप्रेशन वाला है, ये सिग्नेचर जुनूनी है, विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला है और कुल मिलाकर साम्राज्यवादी सिग्नेचर है। इस एच के माध्यम से ही जाना जा सकता है। आज चर्चा यहीं तक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर आप उसको शेयर करें, लाइक करें। आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पे नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।